ये देखो हमारी कार और ये राहुल भाई, ये अपने बंदे ना राइडर हिमांशु पंत। गाइस मजा आ गया ना तुम्हें देखने में? ऐसी बेहतरीन जगह देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है? अचार, ये है मुर्गा और ये है अचार, और ये डिब्बे में पैक हो गया है और इसको हम अब खाएंगे थोड़ी देर बाद। गाइस पोज दो पोज। हाँ, ये कौन सी बिराली है? इस बिराली का नाम तो बताओ। एलेक्सा, तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है एलेक्सा। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का ब्लॉग है, हम जा रहे हैं आज जंगल में पार्टी करने, ठीक है गाइस? तो हमारे दोस्त है हिमांशु पंत जी, तो उनका प्लान था कि आज पार्टी की जाए, तो हम जा रहे जंगल में और वहां से दिखाएंगे पूरे कैंपिंग वाले जैसे, मतलब पूरा एरिया दिखाएंगे जंगल से, ठीक है? तो मैंने अभी जा रहे हैं तो मिलाते हैं आपको, ठीक है? तो अभी तो हम पहले मार्केट जाएंगे, मार्केट से लाएंगे जो भी सामान लेना होगा, मार्केट से लेंगे और उसके बाद जाएंगे हम सीधे कैंप करने, ठीक है? मिलते हैं आप। हम हो चुके हैं तैयार, हमारे पंजी आ चुके हैं यहाँ पे, यही हमारे दोस्त है आज। बिल्कुल, हमारे पुराने यार, बचपन के, मतलब सारे क्रिकेट खेलने वाले, सारे कांड इनके साथ हमारे कर रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है? राहुल भाई पीछे, ठीक है? और आज हम जा रहे हैं अभी मार्केट जा रहे हैं, अभी मिलते हैं आपको जंगल में, जाएंगे बहुत ही तगड़ी पार्टी कराने वाले, ठीक है गाइस? पहुंचने वाले चंपावत की मार्केट में, यहाँ से लेंगे हम पार्टी का सारा सामान और फिर आपको दिखाएंगे जंगल, बहुत ही घने जंगल में जाने वाले हैं, बहुत ही तगड़ी लोकेशन, मतलब पूरी कैंपिंग जैसी वीडियो रहेगी, सिर्फ कैंप नहीं रहेगा उसमें, वीडियो पूरी कैंपिंग होगी। पहुंच गए चंपावत के मार्केट में, इसी मार्केट से सारा सामान करेंगे हम लोग। सो गाइस हम गए अंकु भाई की दुकान में, पहले हम यहाँ से लेंगे टोपी क्योंकि हमारे बाल देख रहे हो क्या किस हालत में है, और मुंह तो वैसे ही ठंडे पानी से मुदा है तो गंदा हुआ है। अंकित भाई की दुकान से मैंने ली टोपी, कैसी लग रही है? ब्लैक टोपी मेरे पे अच्छी लग रही है ना, तुम्हें नहीं भी लग रही है तो मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ से अंकित भाई की दुकान से टोपी लो, ऐसी बेहतरीन बेहतरीन टोपी लाया अंकित भाई, ठीक है? चुका है तो अब हम जा रहे हैं अपार्टमेंट, दिखाते आपको भूतिया घर, एकदम भूतिया बंगले, ठीक है गाइस? उसका इतिहास तो अब हम बिना पढ़े जा रहे हैं, फिर भी हिमांशु पंत जी को हल्का फुल्का पता है कहाँ जाना है करके, ठीक है? मिलाते आप। हमारा प्लान नहीं था, मतलब प्लान था जंगल में, अपने गांव के जंगल में बनाने का, बट पंत जी ने कहा कि तो वहाँ चलते हैं, तो वहाँ अच्छी जगह, काफी आराम से घूमे नहीं है, तो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस राहुल कह रहा है तो पीछे बैठ क्योंकि आगे बैठने का शौकीन है, तो इसको उल्टी होती है गाइस। हम पीछे भी बैठ जाएंगे, हम ऐसे कुछ नहीं, आगे बिठा लो पीछे बिठा लो, ब्लॉग तो हम आगे से भी वैसा ही बनाएंगे पीछे से भी वैसा ही। क्यों गाइस निकल चुके हैं हम चंपावत से, अब मिलते हैं आपको सीधे लोहा घाट में। क्यों गाइस सिस्टम हैंग हो रखा है बता दे रहा हूँ। अभी मुझे को दो लड़कियाँ मिली, लड़कियाँ क्या मतलब शादीशुदा थी, बट उन्होंने मुझे फैन थी, मतलब बिग फैन, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप ब्लॉगर हो। तो भाई ऐसा तो मतलब मैं तो जानता नहीं था, मतलब फिर भी पहचान लिया तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्यों क्यों मानसो भाई? बिल्कुल यार, अचानक से कोई कह रहा कि आप ब्लॉगर हो तो मतलब पहचानना बहुत बड़ी बात है, पहचानना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और दो बच्चियां भी थी वो भी पहचान रही थी, बट उनके मुंह से निकला नहीं कि आप ब्लॉगर हो। शर्माती है ना चंपावत की लड़कियां, थोड़ी शर्मीली टाइप की होती हैं, ठीक है? फाइनली हम पहुंच गए लोहाघाट। ये लोहाघाट मार्केट तो यही से है, इधर ही उतार दो। यहाँ पे हमारे साथ अंकल जी आए थे, जी भी आए थे, इनको हमारे साथ रास्ते में लिफ्ट दी थी इनको, ठीक है? ये यहाँ पे निकल जाएंगे। कुछ नहीं सब बात की मैं घाट से हम निकल के आगे को, अब ये जाएंगे हम मरोड़ा खाना वाली रोड में, और मरोड़ा खान से ऊपर को जाएंगे हम अपार्टमेंट, जिसने नहीं देखा है उसको दिखा रहे हैं, बट जिसने देखा ठीक हो गया। ये लोहाघाट की खूबसूरत अब्बा लाई, हम लोहाघाट मुर्गे के अचार वाले होटल में जा रहे हैं। इस होटल में हम आज तक नहीं गए थे, तो पंत जी कह रहे हैं वहाँ जाके आते, देख के आते क्या मिलता है। ये है मुर्गे का अचार वाला होटल, देखो ये, तो देखते हैं यहाँ अचार मिलता है क्या मिलता है, ठीक है? फिर मिलाते हैं आपको। मैं राहुल भाई, देखो ये खाने पीने का क्या सिस्टम है, मतलब क्या क्या मिल सकता है? जो खाएंगे चिकन की व्यवस्था है, चिकन की व्यवस्था है, ग्रेवी वाला आइटम सब मिलेगा। तो गाइस ये लोहाघाट के आगे थोड़ा आगे जाके होटल है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ये देखो खाने के सामान है, देखो ये तंदूरी चिकन, देखो ये गहत की दाल भी है, मुर्गा भात और ब्रेड ऑमलेट और ये पराठा, डिनर भी है या लंच भी और ब्रेकफास्ट सारे मतलब मिलते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, हम तो अभी जाएंगे पहले, फिर उसके बाद खाएंगे क्योंकि हमें अभी भूख नहीं लगी। तो इसमें भी आप कर सकते हो एकदम बढ़िया सा फूक मार के। ये देखो हमारी कार और ये राहुल भाई, तो लोग देखो ये कौन से दोस्त है पता है? जब हम नदी में किनारे पे नहाते थे, नदियों में, और काफुल तोड़ने जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते, वो वाली यारी है ये। स्कूल वाले अलग होते हैं, हर प्रकार के दोस्त होते हैं, तो इनके साथ आज जाएंगे काफी टाइम बाद,
और ये हमारी कार देखिए गाइस। तो अब हम मिलते हैं आपको एपन माउंट वहाँ पे चोटी पे, वो दिखाता होगा हल्का जूम करके, वहाँ जा रहे हो पहाड़ी पे वो, तो वहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है गाइस, इतनी तगड़ी चोटी है, देखो गाइस, ये देखो गाइस, तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इधर पे आइए, होटल में मुर्गे का अचार भी खाइए, हम तो अभी खाएंगे आते हुए, तो आपको दिखाएंगे। बट ये देखो, ये चोटी बहुत ही तगड़ी है, मतलब इधर बताओ। हाँ, मैंने मुंह नहीं धोया है एक बार, मतलब ठंडे पानी से छपक डाली है बस, उसके बाद मैं सीधे आ गया, क्योंकि भाई लोग आ गए थे, मैं तैयार नहीं था। बट मैंने कहा चलो, मुट तो मैंने वैसे ही डाल रखा था पहले से ही, तो मिलते आपको फिर। पीछे अकेले बैठा हूँ, क्या पता अगले साल तक इधर पे गर्लफ्रेंड आ जाए, बीबी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है गाइस, पहुंच गया मोरोड़ा खान, ये है मोरोड़ा खान। ठीक है, तो हम इधर से, ये तो जाएगी पिथौरागढ़ को रोड, और हम जाएंगे राइट को सीधे, दुकान देख लेते हैं पहले, दुकान देख लेते हैं यहाँ से, कुछ पेप्सी वगैरह देख लेते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम जाएंगे, वहाँ नहीं है ना गाइस। तो हम मोरोड़ा खान पे रुके हुए हैं, ठीक है, तो आपको मिलाते हैं अभी टेपन माउंट में, क्योंकि वो लोग नमकीन वगैरह खरीद रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं फिर। ठीक है, ये मोरोड़ा खान है, अभी दिखाते हैं मोरोड़ा खान का स्टेशन पूरा, ये देखो, ये मोरोड़ा खान गाइस, देखो ये पूरा मोरोड़ा खान है, हम जाएंगे इस साइड। ठीक है, ये पूरा ये अपन माउंट की रोड है, तो अपन माउंट जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंगले हैं पुराने जाने अंग्रेजों के। ठीक है गाइस, लाई चिज्जी, इसको बोलते हैं चिज्जी गाइस, पानी वो गाइस, ये गाइस चिज्जी हमारी, देखो ये चिज्जी है, इसको बोलते हैं चिज्जी, बच्चों वाली चिज्जी खाते हैं हम, क्योंकि बच्चे हैं ना अभी भी। हाँ, मैं अंग्रेजों वाला बन रखा हूँ, अंग्रेज तो गाइस, ये देखो, ये जो भी है मतलब पढ़ लेना आप लोग अब। और ये गई रेगड़ू को, मेरे मामा के घर को रोड, और ये गई बिल्कुल एकदम अपार्टमेंट को, मेरे मामा के यहाँ के बिलिये रोड, यहाँ बहुत बंगले और गाइस बहुत सारे घर और बहुत सारे लोग। ठीक है गाइस, आपको दिखाते हैं अब, अभी अपार्टमेंट वहाँ ले जाते हैं और दिखाएंगे क्या क्या है वहाँ, मुझे तो पता नहीं है क्या क्या है करके, अब दिखाते हैं। भूत भूत होते हैं बल वहाँ भी, भूत बंगले मतलब, भूत भूत तो क्या ही होते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपन माउंट, इसको ही बोलते हैं अपन माउंट। देखो ये पीछे फील्ड है पूरा, ठीक है, ये फील्ड है, और ये हिमांशु भाई अपने पंजी, ठीक है, पुराने मित्र हैं हमारे बहुत ही, मतलब बचपन वाले, अभी वहां पे जाएंगे हम, वहां पे दिखाएंगे आपको सब दिखाएंगे एक एक करके, हम कुछ नहीं छोड़ते, जहां जाते सब कुछ दिखाते। राहुल भाई रोने लग गए हैं, पता नहीं किसकी याद आ रही है, किसकी याद में रो रहे हो सर? इसका पेट खींची गया है गाइस गाड़ी से। गो ये देखो, ये गेट, एंट्री गेट, अपार्टमेंट, टूरिस्ट रेस्ट हाउस एंड अपार्टमेंट, ये यूनिट ऑफ द KMVN, ठीक है, निकल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग निकलेंगे अब हम सभी। देखो ये वहाँ बहुत बहुत बढ़िया है, देखो ये बंगले हैं, अभी दिखाते हैं, अभी तो ये छोटा है, अभी तो शुरुआत है। मित्र तो वहाँ आगे को निकल गए, और यहाँ पे बंगले देखो, ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बंगला, देखो ये टूरिस्ट के लिए, मतलब टूरिस्ट हाउस है, उत्तराखंड टूरिज्म। हाँ, ये देखिए गाइस, अपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखो ये गाइस, मज़ा आ गया ना तुम्हें देखने में, ऐसी बेहतरीन जगह देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पे हमारी गेट एंट्री होगी शायद, लोकेशन बहुत तगड़ी, आप आओ लोहागढ़ यहाँ पे। ठीक है भाई, और यहाँ का मतलब क्या है, मतलब दो लोगों का कितना कहा, 4,800 रुपये है, मतलब कॉटेज भी यहाँ पे आप रात को भी रह सकते हो, मतलब तो यहाँ अवेलेबल है रात की सुविधा भी, और दिन की सुविधा तो ठीक ही हो गया, और अगर आप दो से अधिक लोग रहोगे तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है शायद। गाइस यहाँ की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अभी बताएंगे भूत वाली हिस्ट्री, तो अभी तो बताएंगे। ठीक है, नीचे भूत भूत भी रहते हैं, भूत भूत से मिल के आते हैं, मैं तो भूत ही हुआ, तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त भूत है। बहुत ही बढ़िया देखो टूरिस्ट कॉटेज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रात के रहने की भी सुविधा है। अभी मैं तुम्हें अपने मामा का घर भी दिखाता हूँ, यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखेगा मेरा मामा का घर, और ये छोटे छोटे क्यूट से प्यारे बच्चे, और ये देखो ये वहाँ पे हिमालय दिखा था, वो बेटा लोकेशन, अभी हिमालय अभी धूल पड़ी है, वरनी तो मतलब कहीं तगड़ा, मतलब हिमालय की पूरी पर्वतमाला दिख जाती, मतलब खतरनाक। नीचे रेगड़ू देखो मामा का घर, इस मामा कितनी बार गया हो तुम्हें पता ही है, देखते रहते हो मुझे यहाँ जाते हुए। ये देखो ये पूरी लोकेशन बहुत तगड़ी है, मतलब और वहाँ तो पूरे हिमालय माला भी दिख रही है, बट यार अभी धुंध मची है पहाड़ों में ना, आज जंगल में आग लगी है, तो उस वजह से दिख नहीं पा रहा है, मतलब
बहुत ही सुंदर सुंदर कॉटेज है, घर देखो ये भयंकर मजा आ जाएगा। मतलब यहाँ आओ यार, विजिट तो करना चाहिए। उत्तराखंड मतलब लोहाघाट की सबसे खूबसूरत जगह है। मैं बताऊँ, एक कॉलेज ढेक जिला, एक ये है पट माउंट। यहाँ का ज्ञान भी तो बताइए, कुछ भूत भूत वाला सीन भी तो है, भूत भूत वाला बताइए कुछ यार। कौन सा जो ये बनाया कह रहे तुम? यहाँ कुछ भूत भूत से कहते नीचे है ना, चर्च वाला चर्च का यार। हाँ, उसका क्या स्टोरी यार उसकी? वो अंग्रेज था करके ना? हाँ, एक डॉक्टर अंग्रेज था पहले, वो इलाज तो अच्छा करता, बाद में लोगों को उसने मारना शुरू कर दिया, तो उस वजह से बहुत मुक्ति कोठरी कहते थे। हाँ, मुक्ति कोठरी, बहुत सारे भूत हो गए वहाँ पे। हाँ हाँ, लोगों को मार गए ना, उनकी आत्माओं पे कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब जो भी था। उनका नाम क्या था? स्टोरी है वो पता नहीं यार, वो नीचे अभी पढ़ना पड़ेगा मतलब। ठीक ठीक। और ये देखो, यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर हट है। देखो ये बहुत ही सुंदर कॉटेज, देखो ये इतना खूबसूरत कॉटेज है यहाँ पे। ये देखो, ये है लोहाघाट चंपावत में, उत्तराखंड में जगह है। ये हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। अपार्ट माउंट से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, उन चैनलों में देख लेना। ये देखो ये गाइस, बहुत ही खूबसूरत, मतलब यहाँ स्टे करने के अभी है, मतलब व्यवस्था सारी है, स्टे आप कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो ये यहाँ पे एक छोटी बहुत ही प्यारी रील्स बना रही है, देखो गाइस। गाइस हेलो हेलो हेलो, अच्छा डांस कर रही हो आप, वो वाली बहुत ही मस्त बना रही है, हमने वहाँ से देखा आपका डांस। वहाँ भी जाएंगे फिर, ये तो बंगले तो दिखा दे इनको, तो अपने ऑडियंस को यहाँ आके बंगले नहीं दिखाए तो क्या फ़ायदा। महंगा तो है भाई, जो के दिमाग हुए। हाँ मैं बताऊँ, पहले तो अंग्रेज लोग ऐसे में रहते भाई, अंग्रेज लोग हमारी तरह ऐसे भयंकर सीमेंट मंट का नहीं बनाते ज़्यादा, ठंडा होता है भाई। ये इनकी मतलब बहुत ही अच्छी है, मतलब अंग्रेज तभी तो आगे थे पहले, अभी भी आगे तो है यहाँ पर, हमसे अब कंपेयर ठीक हो गया है, बराबर हो गया है। तो देखो ये गाइस, बहुत ही बहुत सारे हट्स बने हैं यहाँ पे, बहुत सारे घर बने हैं, तो आप लोग यहाँ आए विजिट करें। हम तो बहुत ही तगड़ा विजिट कर रहे हैं आज, तुम्हें पता है जंगल जाने वाले थे और यहाँ पहुँच गए। देखो आपको आपकी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग इतनी खूबसूरत जगह आए आपको दिखाने के लिए, वरना हम जंगल जाने वाले थे। ठीक है भाई, देखो एकदम बहुत ही हीरो लग रहा है। और ऊपर से मैं बताऊं, अभी भूत वाली स्टोरी भी है यहाँ पे, नीचे है भूत वाला, भूत बंगला, तो भूत बंगला भी दिखाएंगे, हॉन्टेड हाउस कहते हैं उसको। ठीक है, अपार्टमेंट का बहुत सारे यहाँ पे चैनल हैं, मतलब अपार्टमेंट आया नहीं था, सब लोग यहाँ फोटो खींचते थे, मैं भी सबको जलाऊंगा कि मैं भी अपार्टमेंट गया हूँ, यहाँ पे फोटो खींचूंगा। ठीक है गाइस, दिखाते हैं आपको, ये देखो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे, इधर पे मैं खींचूंगा फोटो, आप लोग देखोगे गाइस। ये देखो, ये सिस्टम है ना भाई, सिस्टम तो सिस्टम है। हमारे भैजी, देखो भैजी से मुलाकात करेंगे यहाँ पे। और भैजी कैसे हो? बढ़िया। यहाँ आप काम करते हो क्या? हाँ। यार भूत की थोड़ी स्टोरी बताओ यार मुझे। भूत तो कुछ नहीं है ना, खाली बोलते हैं ना। हाँ हाँ, नीचे होगा तो होगा, दिखी जाएगी, झाड़ फूक कर लेंगे, क्यों? हाँ। सब हो जाएगा, सब व्यवस्था हुई पहाड़ों में, क्यों? उत्तराखंड वालों के पास झाड़ फूक कर लेंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगी तो आप लोगों को होगी। थैंक यू फॉर योर विजिट, आपको दिखा दिया है सारे, अब दिखाएंगे आपको हम भूत बंगलो। ठीक है, भूत बंगलो जहाँ पे भूत होते हैं, दिखाते हैं आपको भूत। भूत से मुलाकात करनी है कि नहीं? करनी है ना, तो चलो भूत के पास जाते हैं हम। ठीक है, बहुत ही डरावना पहले से ही लग रहा है, तो ये भूत बंगला ही है गाइस। तो यहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे जो मरीजों का इलाज करते थे, मतलब तो मरीजों का इलाज करते करते जब उनकी एज हो गई तो इन्होंने मरीजों को मारना भी शुरू कर दिया, तो इस वजह से यहाँ उनके आत्माओं के साथ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करते थे। तो दिखाएंगे, यह है चर्च इनका फिलहाल गाइस, चर्च देखो, ये बहुत ही डरावना चर्च भी लग रहा होगा तुम्हें, वैसे ही लग रहा है। देखो ये देखो गाइस, बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब ये है चर्च उनका, अभी तो इस चर्च में कुछ है नहीं, बट आपको दिखाते हैं हम चर्च पूरा, खूबसूरत चर्च, अपार्ट माउंट का चर्च। ये देखो ये गाइस, ये देखो गाइस, बहुत ही खूबसूरत चर्च है ये, इधर पे देखते हैं क्या है गाइस। ये है एकदम भूत बंगलो, ये हम जाएंगे ना अंदर, जाएंगे हम किसी से नहीं डरते गाइस। 1942 में जब बना था इसका पूरा दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये 1942 में, देखो गाइस ये, देखो ये बहुत ही अपार्ट माउंट, देखो ये क्या लिखा अंदर यार, सच्ची
बहुत यहाँ पे चर्च हुआ करता था, तो पूरा ये टूट चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही अपशब्द लिखे हैं गाइस, बहुत ही गंदे शब्द, मजा नहीं आ रहा है गाइस। देखिए ये पूरा भूत बंगला है यहाँ पे, मैं तुम्हें सब कुछ तो दिखा रहा हूँ बट यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो ऐसी हरकतें ना करें प्लीज गाइस, ठीक है। तो अगर आप लोग यार समझदार हो, अब तो पीढ़ी अनपढ़ थोड़ी ना, आप तो पढ़े लिखे बंदे हो सभी, तो ऐसी हरकतें करना लाजमी नहीं है। मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब ना हुआ है गाइस। पूरा देखिए गाइस ये यहाँ पे चर्च, यहाँ पे बैठते होंगे लोग, ये बैठने वाला है। और यहाँ पे होता का ई सबो सबो सबा गाइस। ये देखो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है भयंकर। ये देखो ये गाइस पढ़ सकते हो आप, आपके पढ़ने के लिए हमारे। तो गाइस देखो ये पूरा मतलब पुराना चर्च है ये, बहुत ही पीछे की तरफ तो और बेहतर है, बढ़िया मजा आ गया गाइस। देखो ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन, मतलब मजा ही आ गया ऐसी लोकेशन में, मतलब घूमने में मजा आने आ रहा। ये है उत्तराखंड में, ठीक है गाइस, अपन माउंट लोहागाट की सबसे खूबसूरत जगह। और समाधि भी दिखाते इधर पे दिखाते, रुको गाइस ये देखो ये। तो गाइस यहाँ पे समाधि इसलिए गए, या भूत बंगलो, यहाँ पे बहुत सारी समाधियाँ हैं। देखो ये यहाँ पे मतलब जो वो डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब ने पता नहीं कितनों की डेथ की थी, तो यहाँ पे वो कर रखा है। देखो ये मतलब डरावना तो है गाइस, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो होगा राज, ऐसी बात नहीं है, राज तो होंगे बट अपन तो भाई सनातनी आदमी है, हमें तो कुछ नहीं होने वाला। ये देखो ये पूरा देखो ये आई यहाँ विजिट करें लोहाघाट में, ठीक है, उत्तराखंड लोहाघाट चंपावत, ठीक है, और मजे लें। एपर्ट माउंट के भूतिया घर भी कहते हैं इसको, हॉन्टेड हाउस भी है यहाँ पे, हॉन्टेड हाउस आपको मैंने दिखाया वहाँ पे। तो गाइस ओ भाई ये तो बहुत ही तगड़ा है गाइस, देखो ये वायरल तो ये पहले गाइस, ये बिल्ला गाइस पोज दो पोज। हाँ ये कौन सी बिराली है, इस बिराली का नाम तो बताओ। एलेक्सा तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है एलेक्सा। ओ तो भालू इधर आ, भालू कहीं का भालू, ये अपने बंदे ना राइडर हिमांशु पंत, चले फिर ओके तो चलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको फिर चंपा। मुर्गे का अचार गाइस, लोंडो मुर्गे का अचार। चलो बस आगे उत्तराखंड परिवहन, तो दिल्ली के भी दर्शन करा देते हैं आपको गाइस। ये देखो उत्तराखंड परिवहन से गाइस, ये देखो गाइस देखते हुए यहाँ पे देखिए मुर्गे का अचार खाने जा रहे हैं हम, ठीक है, दिखाते हैं आपको मुर्गे का अचार कैसा होता है। मुर्गा इधर है, अभी हमारे हाथ में आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पे जो भी खाओगे मतलब खा लोगे, मतलब सब चलेगा हमें। तो देख सकते हो चिकन आ चुका है, ये सलाद हमारा और ये मांस, रोटी चिकन और हिमांशु पंत और ये राहुल भाई। तो ये देखो लेग पीस, भाई यहाँ अचार भी मिलता है क्या, अचार कैसे देते हो? अच्छा वैसे खुले में नहीं मिलता, कैसे मिलता वैसे खुले? जितना मतलब 100 ग्राम से स्टार्ट। अच्छा 100 ग्राम से अचार ही मिलता है भाई। ऐसे यहाँ पे सारा ही फिनिश कर चुके हैं हम खाना खा के, और भैया का कहना है कि यहाँ पे मुर्गे का अचार मिलता है 700 रुपये के जी ना भैया, 700 रुपये के जी। अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुर्गे का अचार ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, जो कि महीने भर खाएंगे फिर, क्यों हिमांशु भाई? अभी तो हमने खा ही लिया है चिकन, 40 पीस होते हैं, पीस भी गिन दिए हमने तो, ठीक है। अब हम घर निकलेंगे, अब मिलेंगे हम आपको सीधे घर में, ठीक है, हमारा लंच वंच सब हो गया है यहाँ पे, करा हमने लंच। और हिमांशु भाई आखिरी बार हमारे ब्लॉग में देख लो, फिर उसके बाद कब मिलोगे बताना। बाय गाइस, फिर मिलते हैं आपको मार्केट में, ठीक है, मिलते हैं अब घर में, ठीक है। लड़का लोगों मजा आ गया खाने आने में, चिकन विकन सब खा दिया हमने तो, भसोर दिया बहुत ही। अब जाएंगे हम घर में, प्लान था जंगल जाने का, पहुंच गया अपन माउंट, यही होता है ना दोस्तों के साथ, वो दोस्ती क्या जो मतलब प्लान कैंसिल करके दूसरी जगह ना पहुंचा दे, क्यों सबके दोस्त ऐसा ही करते हैं, पता ही होगा, प्लान कहीं और का करते हैं और चले कहीं और जाते हैं, होते रहता है गाइस। मिलते हैं आपको फिर, हम घर पहुंच चुके हैं, अब हम पंडित जी को विदा देंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, पंजी से मिलते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है, मिलते हैं फिर, पंजी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी नया टूर नया सफर, क्यों डन बिल्कुल ब्रो, मिलते हैं, ओके बाय, ये ले Yeah. हम घर पहुंच चुके, फिर मिलाएंगे आपको, ठीक है। आज का टूर कैसा लगा आपको बताइए गाइस, बहुत ही मजा आया था, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो इसी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब, हम फिर से अगले हफ्ते जाएंगे टूर में तो दिखाएंगे आपको, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल।